हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स फॉर यंग लॉयर या जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिए लीगल लॉ सिस्टम पर। तो पहला है एक्ट एज ए जेंटलमैन। हमेशा आपको एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है, चाहे आप कोर्ट में हों, घर पर हों, बाजार हो, हर जगह एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है। कहीं गाली गलौच नहीं देनी है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, समाज को आपको कोई गलत संदेश नहीं देना है। तो इसलिए आपको एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना होगा हर जगह। आपको कोई ना कोई जना आपको नोटिस कर रहा होता है, वो आपको भी पता नहीं चलेगा, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है फोकस ऑन योर लर्निंग। हमेशा आप सीखने की सोचें, सीखने की जिज्ञासु रखें। ये मत सोचिए कि बहुत सीख लिया अब मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। अर्निंग के पीछे मत जाइए, हमेशा अपनी सीखने की तरफ जाइए कि मैं कैसे चीज़ें सीख सकता हूँ, क्या क्या सीखना रह गया है, जो आपकी वीकनेस उसे स्ट्रेंथ बनाइए। हमेशा सीखिए रोज। थर्ड है स्टडी केसेस जजमेंट एंड कोर्ट प्रोसीडिंग। जैसे अगर आप कोर्ट जाते हैं तो जो आपके केस आ रहे हैं तो उनको आप रोज रीड करिए कि ये केस क्या है, कौन सी स्टेज पर है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उससे आप सीखेंगे। देखिए हर एक सीनियर जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे से सिखाए हर चीज़, तो कुछ चीज़ें आपको खुद भी सीखनी पड़ती हैं, खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, कोई दूसरा जना नहीं आता है। सेकंड जजमेंट, आप जैसे लाइव लॉ हो गया या पुरानी भी जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आप उनको भी गो थ्रू करिए, उन्हें रोज़ पढ़िए, रोज आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और कोर्ट प्रोसीडिंग जरूर अटेंड करिए। जब भी आप कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करते हैं आप बहुत चीज़ें सीखते हैं कि अलमत क्या होता है, कोर्ट कहाँ होती है, कोर्ट को कैसे एड्रेस किया जाता है, अपोजिट काउंसिल कहाँ किस तरफ होते हैं कोर्ट में खड़े। तो आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, तो आपको कोर्ट प्रोसीडिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। फोर्थ है गुड एडवाइस। अगर आपसे कोई एडवाइस लेने आता है हमेशा उसे गुड एडवाइस दीजिए, कभी कोई बैड एडवाइस मत दीजिए, कोई ऐसी इम्पार्शियल एडवाइस मत दीजिए जो कि आपके बेनिफिट के लिए हो। कभी ऐसा काम मत करिए, क्योंकि क्या है अगर कोई एक बार आपके पास आ गया और आपने गलत एडवाइस दी, वो ज़िंदगी में आपके पास कभी नहीं आएगा, और ऐसे चीज़ें करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हमेशा सभी को गुड एडवाइस दीजिए, वो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बेनिफिट है। फिफ्थ है कॉन्फिडेंस। हमेशा अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए। कोई आप काम कर रहे हैं उसे कॉन्फिडेंस से करिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती आप दो तीन जनों से पूछो कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर आपने कभी सीनियर के साथ हो सीनियर से कंसल्ट करिए इस बारे में। और जब आप किसी के साथ रहते हैं या बात करते हैं तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहिए। सिक्स्थ है कॉन्टैक्ट। इस फील्ड में कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये एक दिन में नहीं बनते हैं। और कॉन्टैक्ट ऐसे बनाइए जो ज़िंदगी भर रहें। आप अपने मतलब के लिए मत बनाइए, आप उन अगर उनको आपकी ज़रूरत है आप उनकी हेल्प करिए, उनके साथ काम करिए, बात करिए, उनसे बात करिए। धीरे धीरे आप कॉन्टैक्ट बनाइए, ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट रहेगा। जब आप लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी धीरे धीरे क्लाइंट बनेंगे आप। सेवन्थ है वर्क। जैसे आप फ्रीलांसिंग वर्क उठा सकते हैं। बहुत से एडवोकेट होते हैं जिनको ड्राफ्टिंग नहीं आती, तो अगर आपको ड्राफ्टिंग आती है तो आप ड्राफ्ट करिए, उससे क्या होगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा इस फील्ड में, और उनकी भी हेल्प होगी। और जितनी आप ड्राफ्टिंग करेंगे उतने आपके स्किल्स और बेहतर होंगे दिन पर दिन। बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे कि ऑनलाइन फाइलिंग कैसे करनी है और बुक मार्किंग कैसे करनी है, OCR कैसे करनी है, ये आप चीज़ें सीखिए। इससे आपकी अर्निंग भी होगी और आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी। 8th है ऑफिस। आप कोशिश करिए कि अपना छोटा सा ही क्यों ना हो एक ऑफिस बनाएं, वो आपको आज नहीं तो कल बहुत ही बेनिफिट देगा। लोगों को उधर ही बुलाइए अपने ऑफिस में,
और रोज़ थोड़ा, चाहे 2 घंटे ही क्यों ना हो, अपने ऑफिस में बैठिए। उससे लोगों को लगेगा हाँ जी इधर कोई वकील साहब रहते हैं, और क्लाइंटेज भी धीरे धीरे बनने लग जाएगी और आपकी वैल्यू भी होती रहेगी। तो आप एक छोटा सा कोशिश करिए कि ऑफिस बनाएं अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।